दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और चलिए, मैं आज आपको एक नए सफ़र की तरफ लेके चलती हूँ और देखते हैं कि इस सफ़र में हम चीन के किन किन इलाकों में जाके छानबीन करते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए और मेरे चैनल पे कमेंट भी कीजिए और उसे सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। हेलो दोस्तों, सो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ शंघाई की सबसे ओल्ड स्ट्रीट। इस जगह का नाम है तियानज़ुफांग। तो मुझे पर्सनली ये एरिया बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी इवनिंग के टाइम पे आते हो आप तो काफ़ी अच्छी लाइटिंग वगैरह देखने को मिलती है। छोटे छोटे बार्स हैं यहाँ पे और छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे, तो काफ़ी एकदम अलग वाइब्स है यहाँ की, क्योंकि एकदम नैरो स्ट्रीट अगर आप देखोगे तो शंघाई की बाकी स्ट्रीट से बिल्कुल अलग है। और यहाँ पे मेरा पॉपुलर इंडियन रेस्टोरेंट भी है जिसका नाम है लोटस इंडियन रेस्टोरेंट और तिब्बतीन रेस्टोरेंट, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों, ये जो एक छोटी सी दुकान है ये पिकल्स अचार की दुकान है। तो ये भैया खड़े हुए हैं और दोनों हाथों से डंडे को पकड़ के, जिसके अंदर में चाकू का कुछ बना हुआ है शार्प, उससे ये मिर्चियों को काटे जा रहे हैं। तो इस तरीके से ये मिर्ची का अचार प्रिपेयर कर रहे हैं। मुझे जो अच्छा लगा इनकी दुकान में वो है लैंटर्न जो लटके हुए हैं, क्या खूबसूरत लग रहे हैं। अच्छा, और जो ये डिफरेंट तरह की जो भरनियाँ हैं इसमें उन्होंने बहुत तरह तरह के अचार को भर करके रखा हुआ है, जैसे किसी में बैम्बूज का अचार है, किसी में आलू का, किसी में गाजर का। ये चाइनीज़ टी की दुकान है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट तरीके के जो टीज हैं वो मिलते हो, कितनी वैरायटी है टीज़ की, ऐसा नहीं है कि दो तीन वैरायटी है। ये है मॉर्निंग ड्यूबेरी, ये ऑरेंज है, फ्रूट टी है, ये भी फ्रूट टी है, प्योर टी, पता नहीं कितने सारी वैरायटीज हैं इनके टीज के। और ये जो टी सेट है इसका प्राइस है 135 RMB, मतलब अपने इंडिया के अकॉर्डिंग ये हो गया आपका लगभग 1.5 से 2.5 हज़ार रुपये का ये टी सेट है, जिसमें ये चार डिफरेंट तरीके के टीज हैं इसके अंदर। ये मुझे एक और ब्लॉगर है शायद चाइनीज सोशल मीडिया पे, वो मुझे मिले हैं और वो भी ब्लॉगिंग कर रहे हैं यहाँ का, वीडियो शूट कर रहे हैं। तो देखा, ये स्ट्रीट काफी पॉपुलर है, यहाँ पे कई लोग आते हैं, वीडियो शूट करते हैं और मॉडल शूट भी होता है। दोस्तों, ये जो ओल्ड मार्केट है ये सिल्क मार्केट के लिए भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। यहाँ पे लोगों के अपने छोटे छोटे बुटिक्स बने हुए हैं और वो अपने बुटिक्स के अंदर में सिल्क के बने हुए जो कपड़े हैं उनको बेचते हैं। ये एक छोटा सा बुटिक था, इसमें ये जो अंकल हैं इन्होंने कई सारे स्कार्फ रखे हुए हैं जो सिल्क के बने हुए हैं, उसके अंदर 50% की छूट भी मिली हुई है। और मुझे जो अच्छा लगा इनकी दुकान में वो था इनकी दुकान का डेकोरेशन, वो देखो लाइटें जो इन्होंने लटका के रखी हुई हैं क्या ज़बरदस्त लग रही हैं। तो देखो, ये जो ड्रेस लटकी हुई है उसके ऊपर उन्होंने टैग करके लिखा हुआ भी कि 100% सिल्क है, तो कोई डाउट का कोई सवाल ही नहीं है। और ये देखो दोस्तों, इस मार्केट में मुझे क्या देखने को मिला, मेरे भोलेनाथ की पिक्चर। अब इससे अच्छा आज के दिन और क्या होगा।
और ये देखो दोस्तों सामने जो कितनी पतली सी गली है, लेकिन सबसे खास बात ये है इस गली की, इस गली के दोनों तरफ में ये कैमरे लगे हुए हैं। तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि गली छोटी है या बड़ी है, यहाँ पे हर जगह सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, तो ये बहुत अच्छी बात है यहाँ की। तो चलिए इस दुकान के भी दर्शन किए जाए, देखा जाए कि ये लोग क्या कर रहे हैं इस दुकान के अंदर में और क्या बेचा जा रहा है इस दुकान के अंदर। तो दोस्तों ये जो दुकान है ये है चाइनीज़ मेडिसिन की दुकान। इसके अंदर में जो ये चाइनीज़ हर्ब्स हैं उनको ये लेडी बेच रही है। इसके अंदर में काफ़ी सारे हर्ब्स तो ऐसे हैं दोस्तों जो कि हम अपने इंडिया में भी यूज़ करते हैं, तो कई सारे लोग जो हैं ये ख़रीद रहे हैं। मुझे जो अच्छा लगा इस दुकान का डेकोरेशन है, दूसरा कितने कलरफुल जो पैकेट्स हैं वो कपड़े के बने हुए हैं उसके अंदर में डाल के ये हर्ब्स को बेच रहे हैं। और ये देखो एक और डम्मी मुझे मिल गया। 2-3 घंटे तक क्या होता है दोस्तों, पिक्चर लेते लेते वीडियोस बनाते बनाते आपके फ़ोन की बैटरी जो होती है वो डाउन हो जाती है। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि शंघाई में हर जगह आपको ये ऐसे बॉक्स मिल जाएंगे जो पीले और सफ़ेद रंग के आपको दिख रहे हैं। इसमें QR कोड बना हुआ है, उसको स्कैन करिए और उसमें से बैटरी निकालिए और अपने फ़ोन को चार्ज कीजिए और उसको वापस आके रिटर्न कर दीजिए। तो बड़ा कन्वीनियंट है ये। आई होप दोस्तों कि मेरे वीडियोस के द्वारा आपको चीन और शंघाई की जो सभ्यता है उनका जो पुराना इतिहास है उसको जानने को मिलता होगा। अगर आपको ये वीडियो देख करके अच्छा लग रहा है, कुछ जानने को मिल रहा है चीन के बारे में, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और उसके पास में बने हुए बेल आइकन को ज़रूर ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले सारे नए वीडियोज़ के अपडेट सबसे पहले मिलें। ये इस दुकान में जो भैया बैठे हुए हैं जो कि फ़ोन में व्यस्त हैं पूरे तरीके से, ये एक्चुअल में बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं जो कि आपका, अगर आप बैठोगे तो आपकी शक्ल का ये कार्टून बना करके आपको गिफ्ट कर देंगे। गिफ्ट नहीं करेंगे, इनके ऊपर मैंने प्राइस भी लिखा हुआ है 10 RMB। भगवान, ये तो बहुत ही सस्ता है और कितना क्यूट है। कि आप बस बैठ जाओ और आपको अपना कार्टून वाला चेहरा मिल जाएगा और ये आपकी मेमोरी बन गया लाइफ टाइम के लिए। ये एक दूसरी दुकान है जिसके अंदर में ये लोग स्केचिंग करके आपको देते। अगर आपको अपना स्केच बनवाना है तो आप आओ यहाँ पे और अपना स्केच बनवा सकते हो। तो दोस्तों चलते चलते मैंने एक दुकान ढूंढी जिसके अंदर में ये लड़की खड़े होकर के फ्री में आपको जो चाइनीज़ टी जो ये लोग दुकान में बेच रहे हैं उसको टेस्ट करने के लिए देती है। तो मैंने कहा चलो, बातें करते करते वैसे भी गला सूख रहा है, फ्री में भी मिल रहा है तो एक कप ले लिया जाए और साथ में टेस्ट भी आ जाएगा कि कौन सी चाइनीज़ टी है जो कौन सा टेस्ट देती है। तो मैंने जो ये टेस्ट के लिए लिया था ये था रोज़ टी, तो थी तो स्वाद में बड़ी मीठी, स्वीट। Too hot. Bye-bye. अपने अभी एक हॉट टी ट्राई की मैंने, आंखों से आंसू आ गए मेरे, इतनी गर्म थी पूरी जीभ जल गई। अभी मैं जहाँ से पास हो रही हूँ वो पूरा खाने पीने का इलाका है। तो इस स्ट्रीट में दोस्तों आपको डिफरेंट कंट्रीज़ के अपने अपने बार्स मिलेंगे। तो कई सारे फॉरेनर्स आते हैं यहाँ पे और बार्स का यहाँ पे शाम को बियर पीते हैं, वाइन पीते हैं और बस चिल करते हैं। तो गाइस इतना घूमने फिरने के बाद में अब लग रही है बाय बाय। फ्रेंडली लोग होते ना ये लोग। हाँ तो गाइस इतना घूमने फिरने के बाद में अब लग रही है भूख जोरों वाली। तो मेरा एक फेवरेट रेस्टोरेंट है तिब्बतियन रेस्टोरेंट यहाँ पे, वहाँ लेके चलती। इतना सुंदर है ना अंदर से, आप देखोगे ना तो आपको लगेगा तिब्बत में हो क्या। मतलब
बहुत अच्छा है, छोटा सा है, बहुत प्यारा सा है, तो लेके चलती हूँ आपको तिब्बतियन रेस्टोरेंट। आना शुरू हो गई ना तिब्बत की हल्की हल्की वाइब। निहाओ Which floor? तो दोस्तों ये रेस्टोरेंट छोटा भले ही है साइज में, बट बहुत ही अच्छा है और जो इसके वाइब्स है वो बहुत अलग है, क्योंकि जब आप स्ट्रीट पे चलते हो तो काफ़ी सारा शोर होता है दुकानों का, स्ट्रीट का, लेकिन जैसे ही इस रेस्टोरेंट के अंदर घुसते हो तो ये यहाँ पे ये लोग तिब्बतियन जो म्यूज़िक होता है वो प्ले करते हैं, तो बड़ा कामिंग और बड़ा रिलैक्सिंग लगता है। ये एक डॉक्यूमेंट्री भी चल रही है जो कि तिब्बत की लाइफस्टाइल के बारे में है। ये व्यू है, यहाँ पे आप फैमिली के साथ बैठ कर के, अगर कई सारे लोग हैं तो वो डिनर कर सकते हैं, लंच कर सकते हैं, और मुझे ये बुक्स का स्टाइल बहुत अच्छा लगता है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो उन्होंने कॉर्नर में सजा के रखी हुई हैं। तो बस मैंने फटाफट से अपनी सीट को रिज़र्व किया और मैं मेन्यू में देख रही थी कि ड्रिंक्स के लिए मैं क्या क्या ले सकती हूँ और खाने में मैं अपने लिए वेजिटेरियन में क्या क्या ऑर्डर कर सकती हूँ। यहाँ पे बहुत दोनों ऑप्शन हैं, वेजिटेरियन के भी हैं और मीट का भी ऑप्शन है। मैंने इसमें देखा था कि ज़्यादातर मीट के ऑप्शन में इन लोगों के पास में याक था। चलो मेरा तो खाना आ गया और मेरी मिल्क टी भी आ गई, तो मुझे अपने घर की भी अच्छे से याद आ गई कि चाय पीने का टाइम हो गया। और साथ ही साथ में खाना खाते खाते ये जो डॉक्यूमेंट्री है वो भी देखने का मज़ा आ रहा था कि कैसे जो ये मॉन्क की लाइफस्टाइल होती है तिब्बत में, कैसे इनकी लाइफस्टाइल होती है, ये शायद उनका बात करने का तरीका है जिसमें हम लोग बोलते हैं ना कि आर्ग्यूमेंट्स, या फिर उसके लिए एक पर्टिकुलर वर्ड होता है हिंदी का, अगर आपको पता हो तो मुझे बताना कि ये क्या प्रोसेस है। और अगर कोई आप में से कोई गया हो तिब्बत में घूमने के लिए, ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिली हो तो ज़रूर शेयर करना अपने एक्सपीरियंस भी। मैं कभी गई नहीं हूँ, मुझे जाना है, देखना है मुझे मॉन्क की लाइफस्टाइल क्या होती है, एज ए योगा टीचर बहुत ज़रूरी है मेरे लिए भी। तो दोस्तों मैंने जो पूरा अपना खाना ऑर्डर किया था वो सब कुछ अभी आ चुका है। इसके अंदर में वो नूडल है वेज, ये आलू के चिप्स हैं, दूसरे के अंदर में ये ग्रीन बीन्स और बैंगन का मिक्स वेज है, और ये मेरी रोटी और सबसे इम्पोर्टेंट मेरी मिल्क टी। तो जब मैंने नूडल्स को ट्राई किया दोस्तों तो थोड़ा सा स्पाइसी था तो मैंने उसको रोटी में रोल करके तब खाया ताकि थोड़ा सा कम स्पाइसी मुझे लगे। ऐसा एक्चुअल में मैं अपने हॉस्टल में खाती थी, मैगी बनाते थे हम लोग हॉस्टल में और रोटी के अंदर डाल करके फिर खाते थे तो थोड़ी सी पुरानी यादें भी ताज़ा हो गई। आलू की चिप्स जो थी तिब्बत स्टाइल में वो मुझे बड़ी अच्छी लगी। ये सब कुछ मुझे ऐसा लगा जैसे हमारा इंडियन खाना होता है, जैसे हम लोग अपने घर में बनाते हैं, बिल्कुल वैसा ही स्वाद था, कुछ ज़्यादा अलग नहीं था, तो अच्छा लगा मुझे, मैंने पेट भर के खूब सारा